अरे वाह बहू, तू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माँ, भाभी तो एकदम साक्षात लक्ष्मी दिख रही हैं। आओ बहू, अंदर आओ और अपना दाहिना पैर पहले अंदर रखो। शकुंतला और उसकी बेटी बहुत लालची थी। जाओ बहू, थोड़ा आराम कर लो। कुसुम और राजीव अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर शकुंतला और मीनाक्षी कुसुम के लाए हुए सामान को चेक करती हैं। उसमें वही सामान होता है जो हर पिता अपनी बेटी को देता है। ये क्या, इसके पिता ने तो इसे कुछ भी नहीं दिया। अगर पैसे नहीं दिए तो कम से कम कुछ गहने ही दे दिए होते, भिखारी कहीं का। हाँ माँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दिखाते तो ऐसे हैं जैसे बहुत रईस हो, पर अपनी बेटी को एक हार तक नहीं दे पाए। मुझे तो लगा था कि मेरी बहू बहुत सारे पैसे और गहने लाई होगी, पर ये तो भिखारा निकली। अब मैं इसे कल ही सबक सिखाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह शकुंतला जोर से चिल्लाती है, बहू, अरे ओ बहू, बहू। कुसुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भगत रहती है। कुसुम अपने कमरे में पूजा पाठ कर रही होती है, तभी उसे उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। कुसुम सास के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, नाश्ता क्या तेरी माँ बनाएगी? राजीव की माँ, आज बहू का इस घर में पहला दिन है, कम से कम आज के दिन तो अच्छे से बात कर लो। अजी आप चुप रहिए, अब खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है, जा के नाश्ता बना। जी माँ जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। कुसुम किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ये माँ जी को क्या हो गया, कल तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जो भी हो, पहले मैं नाश्ता बना कर ले जाती हूँ। कुसुम नाश्ता लेकर सास के पास जाती है और कुसुम की सास एक निवाला खाती है और बोलती है, ये कैसा नाश्ता बनाया है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। छी छी छी, पूरा मुंह खराब कर दिया। ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। उन दोनों की बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है। रुकी, मैं कुछ दूसरा बनाकर लाती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट ऐसे ही भर गया। सास और ननद दोनों गुस्से से उठकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी कुसुम के पास आती है। कुसुम रात के बर्तन धो रही होती है। भाभी, मुझे अभी मैगी खानी है, मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बर्तन धो रही हूँ? माँ, माँ। शकुंतला वहां आती है। माँ देखो ना, मुझे भूख लगी है, मैंने मैगी बनाने के लिए बोला तो इन्होंने मना कर दिया। क्यूरी, तूने मेरी बेटी को मना किया? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। शकुंतला एक डंडा लेकर कुसुम को मारने लगती है। कुसुम मार खाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगती है। हे देवी माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? कुसुम बोलते बोलते सो जाती है, तभी उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक मंदिर दिखता है। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत कुसुम को बुला रही होती है। आओ बेटा, मेरे पास आओ, आओ। तब तक सुबह हो जाती है और कुसुम की आँख खुल जाती है और उसके कानों में उसकी सास की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, आज चाय मिलेगी कि नहीं? कुसुम सास की आवाज सुनकर जल्दी से चाय बनाकर सास को दे देती है और नाश्ता बनाने चली जाती है। अरे क्या बताऊं समधन जी, आपकी बेटी को तो कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ बोलो तो जबान लड़ाने लग जाती है। कुसुम ये सुनकर सास के पास जाती है। नहीं, अभी तो बात नहीं हो सकती, अभी महारानी सो रही है। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? शकुंतला फटाक से फोन काट देती है। तो क्या बोलूं, भिखारी की बेटी, तेरी भिखारी माँ पिता ने तुझे हमारे गले बांध दिया और अपना पीछा छुड़ा लिया। देखिए माँ जी, आप मुझे चाहे जो कह लीजिए, पर मेरे माता पिता को कुछ मत कहिए। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, मैं बताती हूँ तुझे अभी। शकुंतला कुसुम को बहुत मारती है। जब शकुंतला मार कर थक जाती है तो वहाँ से चली जाती है। कुसुम वहीं बैठ कर रोती रहती है। तभी उसे सपने के बारे में याद आता है। अरे जो मंदिर मैंने सपने में देखा वो तो यही पास में है, मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए। कुसुम जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ता तो यही है पर मंदिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो सिर्फ एक सपना था। अब मैं घर वापस चलती हूँ, अगर माँ जी को घर पर नहीं मिली तो मेरी खैर नहीं। कुसुम जैसे ही पलट कर घर की ओर जाती है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। अरे बेटी सुनो। कुसुम पीछे मुड़कर देखती है। अरे ये तो वही सपने वाली बूढ़ी औरत है, हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। जी माँ जी बोलिए। बेटा मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर तुम मुझे कुछ खिला सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए माँ जी, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चले तो मैं कुछ खिला पाऊंगी। बेटा मैं कई दिन की भूखी हूँ और मेरी उम्र भी उतनी नहीं है कि मैं चल पाऊँ। ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुसुम घर पर आकर उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर वापस उसके पास जाती है। ये लीजिए माँ जी, इससे आपका पेट भर जाएगा। बूढ़ी औरत सारा खाना खा लेती है। हाँ बेटी, अब आत्मा को शांति मिली, क्या मेरा एक और काम कर दोगी? हाँ बोलिए। मेरा घर यही पास में है, क्या तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दोगी? मुझसे ये लकड़ियाँ लेकर चला नहीं जाता है। कुसुम लकड़ियाँ उठाकर बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते
वो उसी मंदिर के पास पहुंचती है जिसे उसने सपने में देखा होता है। बस करो बेटी, हम पहुंच गए। अरे ये तो वही मंदिर है जो मुझे सपने में दिखा था, और औरत भी वही है। माँ जी, कल रात मेरे सपने में आप और ये मंदिर आया था, इसका क्या मतलब है? तुम कल रात को मुझे पुकार रही थी ना? तभी बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपनी सास और ननद को सबक सिखाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कोई भी रूप धारण कर सकूँ। तथास्तु, जब भी किसी का रूप धारण करना हो उसका नाम लो और नमः बोलो, और तुम्हें जब भी इंसान बनना हो अपना नाम लेना और नमः बोलना। इतना बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और कुसुम वापस अपने घर आ जाती है। घर पर आते ही शकुंतला कुसुम पर भड़क जाती है। इतनी देर से कहाँ गायब थी महारानी? इतना बोलकर शकुंतला कुसुम को डंडे से मारने लगती है। मगरमच्छ नमः। इतना बोलते ही कुसुम एक बड़े से मगरमच्छ में बदल जाती है। उसे देखकर शकुंतला घबरा जाती है और वहाँ से 200 की स्पीड में भागती है। कुसुम नमः। कुसुम अपने असली रूप में आ जाती है। तभी कहीं से मीनाक्षी आ जाती है। भाभी मेरे लिए जरा पास्ता बना दो, मुझे भूख लगी है। अच्छा तो तुम ऑफिस से काम करके आ रही हो, थक गई होगी ना? दिन भर आवारों की तरह घूमती हो, जाकर बनाओ और खाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी रुको। माँ माँ, उसकी माँ का कोई जवाब नहीं आता। कुसुम मुस्कुराने लगती है। तभी मीनाक्षी एक डंडा लेकर कुसुम को मारने आती है। मगरमच्छ नमः। मगरमच्छ को देखकर मीनाक्षी भी घबरा जाती है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। थोड़ी ही देर में राजीव और उसके पिताजी घर आते हैं। उन्हें घर में कोई नहीं दिखता। माँ माँ, कुसुम कुसुम। कुसुम उनके पास आती है। माँ और मीनाक्षी नहीं दिख रही है? अजी वो दोनों अपने कमरे में है। पता नहीं वो लोग कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। चलो चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। सभी ऊपर जाते हैं और दोनों का दरवाजा खटखटाते हैं। माँ दरवाजा खोलो माँ। नहीं बेटा, बहू मगरमच्छ है, वो मुझे खा जाएगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। लगता है माँ पागल हो गई है। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को शकुंतला राजीव का दरवाजा ठोकती है। राजीव राजीव, अरे बेटा उठ, देख पूरे घर में पानी भर गया है, पूरा घर डूब गया है। राजीव और कुसुम दोनों उठकर बाहर आते हैं। बहू तुम उससे दूर रह। लगता है बाढ़ आई है, अब हम क्या करेंगे, पूरा शहर डूबा होगा, अब बचना मुश्किल है। तब तक सभी इकट्ठा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। देखिए आप लोग रोइए मत, अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो मैं सबको बचा सकती हूँ। वो कैसे? कुसुम सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सास और ननद ने उस पर अत्याचार किया और कैसे देवी माँ ने वरदान दिया। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मगरमच्छ का रूप लूंगी और आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाना, ठीक है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मगरमच्छ नमः। सभी लोग कुसुम की पीठ पर बैठकर घर से बाहर निकल जाते हैं। सबकी जान बच जाती है। कुसुम देखती है आस पड़ोस के लोग फंसे हुए हैं, वो उनको भी बचाने चली जाती है। लोग उस पर बैठने से डर रहे थे। आप लोग डरिए मत, मैं आपकी पड़ोसी कुसुम हूँ, मुझसे आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी। कुसुम अपने असली रूप में आती है और सबको यकीन दिलाती है। अब आप लोगों को भरोसा हुआ? जल्दी करिए नहीं तो आप लोग डूब जाएंगे। कुसुम फिर से बड़ी सी मगरमच्छ बन जाती है। चलिए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। कुसुम सबको एक ऊंची जगह पर ले जाती है और सबकी जान बचा